अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा कोर्स एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस कोर्स में जो हम लैब वर्क करेंगे वो उसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो है जी पाइथन लैंग्वेज। हमारा वीक वन है, वीक वन में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, जो हमारा वीक वन का एजेंडा है वो है पाइथन इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम पाइथन लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके स्कोप वगैरह, इसकी इम्पोर्टेंस वगैरह, फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड करती है, ये सब कुछ हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग इन्वायरमेंट देखेंगे कि हम कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज के लिए। देन हम फिर बेसिक कमांड देखेंगे इस लैंग्वेज की कि कौन सी बेसिक कमांड्स हैं, एग्जीक्यूट करके देखेंगे बेसिक कमांड्स को और उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे, आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करना, इनिशियलाइज करना, ये सब कुछ हम देखेंगे। कीवर्ड्स को देखेंगे कि एज आइडेंटिफायर हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते। देन फिर हम डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम कमेंट्स सेक्शन के बारे में, कमेंट्स स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइथन इंट्रोडक्शन। जी, पाइथन लैंग्वेज जो है आजकल मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। पाइथन जो है सभी डोमेन्स में यूज़ होती है। आपके सामने ये चंद पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मोस्टली जो इसका यूज़ है वो डाटा साइंस में, मशीन लर्निंग में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। इट प्रोवाइड्स ऑल बेसिक कमांड्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है और इजी टू यूज़ है। कोडिंग के दौरान आपने जो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये है कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और दूसरा इंडेंटेशन इम्पोर्टेंट होती हैं इस लैंग्वेज में। ये हम दौरान कोडिंग भी देखेंगे कि कैसे इंडेंटेशन इम्पोर्टेंट होती है और केस सेंसिटिव से क्या मुराद है। ये था जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके लैंग्वेज का। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कौन कौन से टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं, एनवायरनमेंट्स कौन से अवेलेबल हैं मार्केट में। तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं पाइथन एनवायरनमेंट के तौर पे, जिन पे हम पाइथन पर काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका अपना एक इंटरप्रेटर होता है, पाइथन इंटरप्रेटर, जिसको पाइथन शेल कहते हैं। इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। पाइथन शेल लिखेंगे, जो भी पहला लिंक आएगा वहाँ से आप डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। ये कंसोल बेस होता है और इंटरप्रेटर है, क्योंकि ये फ़ौरन से जो भी हम कमांड लिखेंगे फ़ौरन से ये हमें उसका रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद जो टूल्स अवेलेबल हैं जो मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं टूल्स, उनमें से है जी पाइचाम IDE है, जिस पे हम लोग काम करेंगे। हम पाइचाम ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे नाम आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, लाइक विंग IDE है, कोमोडो IDE है, एरिक पाइथन IDE है, सबलाइन टेक्स्ट 3 है। विजुअल स्टूडियो पे भी आप पाइथन यूज़ कर सकते हैं, स्पाइडर है, इसी तरह और भी बहुत से हैं, जुपिटर्स और एक्लिप्स पे भी आप पाइथन पर काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम काम करेंगे वो है जी पाइचाम के ऊपर काम करेंगे। पाइचाम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कैसे हम पाइचाम के ऊपर काम करेंगे। फ्री सॉफ्टवेयर है ये, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इसको पाइचाम। जी, तो ये हमारा पाइचाम ओपन हो रहा है।
इसको इंस्टॉल करने से पहले एक दो बातें जो लाजमी जहन में रखनी है कि सबसे पहले तो आप लोगों के पास JDK इंस्टॉल होना चाहिए, जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने पाइथन शेल इंस्टॉल करना है और फिर पाइचार्म इंस्टॉल करना है, क्योंकि जब आप पाइचार्म इंस्टॉल करते हैं तो ये एक इंटरप्रेटर मांगता है, जो वो इंटरप्रेटर आपका जो होगा पाइथन शेल ही होगा। अगर वो आप लोगों ने इंस्टॉल किया होगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पिक कर लेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा पाइचार्म ओपन हो चुका है। इसमें आप लोग देख रहे हैं टिप्स ऑफ द डे आती रहती हैं, मल्टीपल टिप्स हैं, तो इनको आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। मैं अभी फ़िलहाल क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमारी टूल विंडो है जहाँ पे हमारे सारे प्रोजेक्ट शो हो रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारा मेन एडिटर है, ये वाला जो एरिया है ये एडिटर है हमारा, यहाँ पे हम लोग कोड वगैरह करते हैं। स्टार्ट में हम जो कोड करेंगे वो इंटरप्रेटर पर ही काम करेंगे, मतलब कंसोल विंडो पर ही काम करेंगे, कंसोल विंडो। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि फाइल्स में से यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाके एडिटर की सेटिंग, मतलब कलर वगैरह, फॉन्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। ये है एडिटर आपका, यहाँ पर फॉन्ट, जनरल कलर स्कीम वगैरह सब कुछ आ रहा होता है, तो आप कुछ भी चेंजिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी हम न्यू प्रोजेक्ट देखते हैं। जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो फाइल्स में जाएंगे सबसे पहले और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। जब हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर अनटाइटल की जगह पर आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है, लाइक मैं लिखता हूँ Week 1, क्योंकि हमारे Week 1 की लैब चल रही है, तो Week 1 मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया, क्रिएट किया। अब यहाँ पे वो ऑप्शन मांग रहा है ओपन इन न्यू विंडो, ओपन इन करंट विंडो, मैं करंट विंडो ही ओके करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोजेक्ट क्रिएट करने में, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, प्रोजेक्ट Week 1 के नाम से, ठीक है। अभी आप देखें हमारा जो है एडिटर जहाँ पर हमने कोड करना है वो वाली विंडो अभी एक्टिव नहीं हुई, तो यहाँ पे हमने सिर्फ अभी हमारा प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोजेक्ट पे हमने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करें या इसको एक्सपेंड करें, और यहाँ पर एक्सपेंड करके स्क्रिप्ट में चले जाएं, दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है। राइट क्लिक करें, न्यू में जाना है हम लोगों ने। अब फाइल ऐड करनी है जिस पर हम लोग, जिस फाइल में हम कोडिंग करेंगे, तो वो हमारी पाइथन फाइल है। पाइथन फाइल हमने ऐड करनी है, इसको हमने नाम देना है, तो इसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट लैब। फर्स्ट लैब का मैंने नाम दे दिया, ओके किया, तो अब ये देखे जी ये हमारी फाइल ओपन हो गई है, हमें कोड की ऑप्शंस आ गया, यहाँ पर हम कोड लिख सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में हम लोग जो कोड लिखेंगे, बेसिक जो कमांड्स हम करेंगे वो कंसोल विंडो के ऊपर परफॉर्म करेंगे। कंसोल विंडो कहाँ से आती है? एक तो यहाँ पर नीचे आपको शो हो रही है कंसोल, पाइथन कंसोल, यहाँ से अगर आपको शो ना हो रही हो तो आप लोगों ने क्या करना है, टूल्स में जाना है और यहाँ पर लिखा हुआ है पाइथन कंसोल, इसको जब आप ओके करेंगे तो ये कंसोल आपकी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कोडिंग परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर कोड की तरफ जाएंगे, बेसिक कमांड्स वगैरह देखेंगे।